स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात की है। साधु के वेश में है आतंकी चेहरे, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बड़ा बयान ये आया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि अब दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर FIR कराने की बात की गई है। लखनऊ में एक कार्यक्रम चल रहा था जिस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर जो विवाद हुआ, वो विवाद किस तरह से बढ़ गया वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। स्वामी के समर्थकों ने राजू दास पर हमला करना शुरू कर दिया था और जब हमला किया जा रहा था उस वक्त ये तस्वीरें हैं। मुझे जान से मारने की कोशिश हुई है, महंत राजू दास की तरफ से यह आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच का विवाद पुराना है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयानबाजी की थी और ये कहा था कि इस ग्रंथ की चौपाइयां आपत्तिजनक हैं, जिनसे पिछड़ों और दलितों का अपमान होता है। उनके इसी बयान के बाद महंत राजू दास समेत साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया था। विवाद शुरू हुआ, उसके द्वारा विवाद शुरू हुआ। मैं जैसे एंट्री किया, उसने कहा कि आ गया भगवा आतंकवादी। सनातन वाला देश में, साधु संतों वाला देश में कोई भगवा आतंकवादी कह दे, और सीधे रामचरितमानस को उसने गाली दिया, भगवान राम को गाली दिया। ये अच्छी बात नहीं है। आप पार्टी को गाली दे सकते हो, आप राजनीति करते हो, लेकिन आप भगवान को गाली दो, सनातन संस्कृति को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए प्राण देना पड़े, जान देना पड़े। राजू दास जान देंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांगना पड़ेगा। नहीं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि सनातनियों की से बहुत कष्ट है, सनातनी बहुत आहत है, हिंदू बहुत दुखित हैं इस चीज को लेकर कि बराबर सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना अच्छी बात नहीं है। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख, तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख, तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। जी जय श्री राम। राजू दास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, क्या वो अब इतना बौखला गए हैं कि आप पर हमले भी करवा रहे हैं? यही तो कष्ट है। ये सनातन परंपरा देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ हम लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी किया, उन्होंने सनातन को गाली दिया, उन्होंने भगवान राम को गाली दिया, उन्होंने भगवान कृष्ण को गाली दिया, उन्होंने साधु संतों को गाली दिया, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया। यहां से काम शुरू हुआ। अत तब बढ़ गई जब उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया। उसके बाद कष्ट हुई, कष्ट के बाद हमने कहा कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा करेगा हम ऐसा करेंगे। दुखित होकर कहा, मेरा कोई भाव, मेरा कोई विचार नहीं था। लेकिन राजू दास जी, इसी पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संतों की तो ऐसी भाषा नहीं होती, वो इस तरह का पलटवार आप पर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो क्या उनकी भाषा होती है क्या जी? किसने उनको सिखाया है? दम हो तो बाइबिल के बारे में बोल कर देख लें, दम हो तो कुरान के बारे में बोल कर देख लें। सरतन से जुदा 56 टुकड़े कब का हो गए होते? डेनमार्क में कार्टून बना, 56, 9 के 9 पत्रकार मारे गए। मैं नुपुर शर्मा के बयान के साथ में नहीं हूं, लेकिन नुपुर शर्मा के जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया गला कट गए, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं बोल पाए? सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, सर्व समाज की बात तो करते हैं, क्या सर्व समाज ये शिक्षा देता है किसी धर्म संस्कृति का अपमान करना, भगवान राम को गाली देना, भगवान कृष्ण को गाली देना? ऐसा नहीं चलेगा। इस चीज को लेकर मैं विरोध कर रहा था, यह मेरा विरोध था। स्वामी प्रसाद मौर्य माफी क्यों नहीं मांगते, क्षमा क्यों नहीं मांगते, वो अपनी जहरीली बोल को बंद क्यों नहीं करते? कल क्या हुआ था? कल आपने ये कहा कि मुझ पर हमला हुआ है, कल क्या हुआ था? कल जिस कार्यक्रम में वो थे, उसी कार्यक्रम में हम भी जा रहे थे जी, और उधर से जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी, जैसे वो हमको आतंकवादी अभी आपके चैनल पे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया,
यही लोग हैं राम और कृष्ण की जो है नैया चलाते हैं, यही लोग धर्म के ठेकेदार हैं और रामचरित मानस के यही लोग ठेकेदार हैं जो समाज में कुरीति फैलाते हैं, ऐसे करके अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया और कहा कि यही है जिसने मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम रखा है, पकड़ो मारो। और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जान से मारने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया।